दिया। ये देखिए अंकित के सिक्स पैक्स। आज एक स्पेशल चीज मैं बनाने वाला हूँ घर में रेसिपी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी गाइस सुबह सुबह हमारे साथ पोपट हो गया है, हमारी जो गाड़ी है पंचर हो चुकी है, देख पूरा हवा निकल चुका है इसका। अभी तक कपड़े धुल ही रहे हैं, अभी कितना टाइम बता रहा है, अभी 11 मिनट बता रहा है, अभी 11 मिनट के बाद धुल जाएंगे। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। ये देखिए बच्चे लोग सो रहे हैं, अभी सुबह के 8 बज चुके हैं। ये देखिए बहुत मज़े में सो रहे हैं दोनों। ये देखिए ये तो उठ गया अंकित, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 8 बज रहे हैं, और अभी मैं चलता हूँ, देखते हैं बाहर का मौसम क्या है। और आज एक स्पेशल चीज़ मैं बनाने वाला हूँ घर में रेसिपी, स्वीट बनाने की रेसिपी है ये, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। और पहले चलते हैं बाहर का मौसम देखते हैं, उसके बाद में आके स्टार्ट करते हैं वो रेसिपी, और आप लोगों को लेके चलता हूँ किचन में भी। ओके गाइस चलिए चलते हैं बाहर। पहले उठो विवेक, बेटे अंकित उठो, सुबह हो गई। विवेक विवेक। तो गाइस आज का मौसम भी बड़ा मस्त है, देख सकते हैं आप, हल्की हल्की धूप निकली है और काफ़ी अच्छा आ रहा है मौसम, देखिए आप व्यू। बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी राह सब तक रहे, बादल गरजा पानी बरसाए नदी। ये देखिए गाइस ये अभी उठे हैं और आके यहाँ पे बैठे हैं। विवेक क्या कर रहे हो? बैठे हो, नींद आ रही है क्या? अभी भी बहुत सोया है रात में। चलो चलते हैं नीचे, चले नीचे, चले नीचे चलना है, क्या करोगे ऊपर? चलो नीचे चलते हैं, बनाते हैं कुछ मीठा, बनाते हैं। चलो फाइनली आ चुके हैं किचन में, और आपको दिखाता हूँ रेसिपी और स्टार्ट करता हूँ अभी मैं। तो ये देखिए गाइस इसमें ये टोस्ट है, ये मैंने 1 kg लिया है, और ये शुगर है 2 kg शुगर है ये, और ये काजू है, और ये बादाम है, और ये किशमिश है। तो इसको हम लोग ना ऊपर से लेयर करेंगे ये 3 चीज़। और सबसे पहले हम लेते हैं शुगर, शुगर मैं 2 kg है लेकिन 2 kg पूरा नहीं डालूंगा इसको, मैं 1.5 kg। तो ये देखिए गाइस हमने शुगर डाल दिया है 1.5 kg, और ये अच्छी तरह से बॉईल भी हो गया है, और ये बॉईल कम से कम इसको 20 मिनट लगेगा बॉईल होने में। और बॉईल होने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए, थोड़ा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे थोड़ा, और ठंडा हो जाएगा 10 मिनट में। उसके बाद में हम इसके अंदर टोस्ट को डिप करेंगे, तो जितना हो सके क्वांटिटी के हिसाब से हम डिप करेंगे, और उसके बाद में इसको छोड़ देंगे रात पूरा, ओवरनाइट इसको छोड़ देंगे। ओवरनाइट में ये काफ़ी अच्छा से मतलब पूरा सोख लेगा मतलब वो। तो गाइस अभी हम इसको काट लेते हैं, तो काटने के बाद इसमें है इंडिविजुअल पैक्स है इसमें, तो इसमें मैं सोच रहा हूँ ना ये 3 पैक डाल दूँ, पूरा 3 पैक पूरा डाल देते हैं हम इसमें।
तो गाइस इसको हम मैंने रख दिया है 10 मिनट के लिए फ्रिज में, उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद में हम ये डिप करेंगे टोस्ट। उससे पहले हम ये ड्राई फ्रूट को हम पूरा तोड़ लेते हैं। पहले काजू डाल लेते हैं इसमें। काजू डाल दिए हैं, उसके बाद में डालते हैं बादाम। ये बादाम डालते हैं हम, किशमिश तो ऊपर से पड़ेगा। इसको हम तोड़ लेते हैं इसको। तो ये देखिए गाइस, ये हमने ड्राई फ्रूट्स का ना ऐसे चूरा बना लिया इसका। इसको हम ऊपर से डालेंगे, लेयर करेंगे इसको ऊपर से। और ये किशमिश जो है ना, किशमिश को हम बस इसको ऐसे ही डालेंगे, खड़े ही डालेंगे इसको। तो गाइस ये ठंडा हो चुका है, मैंने 10 मिनट फ्रिज में रखा था इसको। अब इसके बाद हम इस टोस्ट को इसमें डिप करेंगे, इसमें डाल देंगे सारा। ये मैंने एक पैकेट डाल दिया, मतलब तीनों पैकेट डाल देंगे एक एक करके। तीनों पैकेट डालने के बाद ये नाइट पूरा इसको रख देंगे हम, सोक कर लेगा पूरा ये। और सोक करने के बाद सुबह मॉर्निंग में इसका काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मतलब टेस्टी हो जाएगा काफ़ी है। ये भी आधे एक घंटे में भी हो जाएगा, सूख जाएगा। लेकिन तो ये हमारा रेडी हो गया गाइस। और अब इसमें हम ऊपर से इसको, ये जो हमने ड्राई फ्रूट जो क्रश किया था, इसको हम ऊपर से लेयर कर देंगे इस पर। इसको लेयरिंग कर देंगे ऐसे। ये हो गई किशमिश की लेयरिंग। अब इसको हम रात भर फ्रिज में रख देंगे और सुबह देखते हैं इसके बाद। ओके गाइस, द नेक्स्ट डे। तो फाइनली गाइस रेडी हो चुका है, हमने रात भर उसको फ्रिज में रखा था और अभी सुबह जाके वो पूरा रेडी हो चुका है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये है, इसको बोलते हैं डबल का मीठा। ये डबल का मीठा है, हैदराबाद में बहुत फेमस है मिठाई ये। तो इसको सर्व करते हैं, देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका और आपको बताते हैं। कैसा है विवेक? टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा मतलब? बहुत गंदा। कैसा लगा मेरा मजाक? अच्छा मतलब? अच्छा। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कॉमेडी बहुत करता है विवेक, जलवा है हमारा। तो अभी गाइस सुबह सुबह हमारे साथ पोपट हो गया है। हमारी जो गाड़ी है पंचर हो चुकी है, देखिए पूरा हवा निकल चुका है इसका, पंचर हो चुका है। तो अभी इसको लेके जाते हैं बनाने के लिए। तो गाइस गाड़ी तो देख के आ गए हूँ, अभी पंचर बनने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो पंचर बनने देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो गाइस सुबह सुबह ना हमारे घर में यहाँ मूवी देखी जा रही है, वो भी किसकी बताए, मिथुन चक्रवर्ती दादा। ओहो, नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। ये देखिए, ये मूवी आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों ने, चंडाल मूवी का नाम। बहुत तेज हो रहा है। और ये हमारी माता श्री, मूवी बहुत देखती है हमारी माता। नहीं बैठे बैठे मूवी देखती है। ये मूवी का आनंद लिया जा रहा है सुबह सुबह। गाना बजाओ। फाइनली गाइज आज कपड़े बहुत गंदे हो गए हैं, तो आज धुलने जा रहे हैं। आज ऐसे रेगुलर ही धोते ही हैं, दो तीन दिन में एक बार धुला ही जाता कपड़े।
ये देखिए अंकित के सिक्स पैक्स। ये कपड़े धुलाने के लिए यहीं पे कपड़े खोल दिया है। ये देखो ये भी कपड़े खोल दिया है। दोनों सिक्स पैक्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैं कितना छोटा हूँ, मैं कैसे दिखूं? अभी तक कपड़े धुल रहे हैं, अभी कितना टाइम बता रहा है, अभी 11 मिनट बता रहा है, अभी 11 मिनट के बाद धुल जाएंगे। तो आज देखते हैं गाइस क्या खाना बनाया है हमारे घर पे। कि आज बना है ये आलू और कैप्सिकम की सब्जी है ये। और एज यूजल डेली सुबह हम चावल ही खाते हैं, तो चावल बना है, चलिए खाते हैं। तो फाइनली गाइस खाना आ चुका है, खाते हैं अभी इसको। बहुत मस्त बना है, पहली बार तारीफ की है। सुबह सुबह गरम गरम खाओ, मज़ा ही अलग रहता है भाई। खाता हूँ जल्दी से जल्दी और नहाता हूँ और निकलता हूँ दुकान के लिए। तो फाइनली गाइस खाना पीना हो चुका है, अभी चलता हूँ थोड़ा नहा लेता हूँ और उसके बाद अपना एज यूजल जो रूटीन है शॉप पे जाना है। फाइनली गाइस नहा धो के रेडी हो चुका हूँ और देखते हैं, कपड़े धुल गए हैं, कपड़े भी धुल चुके हैं, तो अभी इसको निकालते हैं, कपड़े निकालते। बरसो बादल तुम्हारी रास अब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी रास अब तक रहे। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चली। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चली। पेड़ के ऊपर बरसा पानी, आई पत्तियां हरी हरी। पेड़ के ऊपर बरसा पानी, आई पत्तियां हरी हरी। बरसो बादल तुम्हारी रास अब तक रहे, बरसो बादल तुम्हारी रास अब तक रहे। गाइस टाइम हो चुका है 10:20, आज लेट हो चुका हूँ, तो चलते हैं दुकान पे। ओके फाइनली गाइस अभी शॉप पे पहुँच चुका हूँ मैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं यहाँ पे। ये तो डेली का हमारा काम है भाई, इसे तो करना पड़ेगा ज़रूर, और काम करते हैं। और सो गाइस अभी इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। और ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।